पंजाब दे विच सरकार दे चन्न हुण परदेसी नहीं होणगे, यानी कि जिहड़े अफसर ने वह विदेशां दे विच पीआर नहीं लै सकणगे। विजिलेंस ब्यूरो ने विदेश दे विच पक्की रिहायश करन लई चुप चुपीते पीआर लैण वाले अफसरां ते मुलाजमां दी पैड़ नप्पण दी तैयारी कस लई है। पंजाब दे किन्ने अधिकारी ते मुलाजम ग्रीन कार्ड होल्डर ने, विजिलेंस इस दी शनाखत करेगी। पंजाब सरकार वल्लों खुराक ते सप्लाई महकमे दे डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला नूं शनिचरवार नूं बरखास्त कीता है, पर इसने 2006 दे विच चोरी छिपे ही कैनेडा दी पीआर लै रखी सी। इस कार्रवाई तो बाद विजिलेंस ने पीआर लैण वालियां दा भेत कढ़न दी जुगत बनाई है। विजिलेंस ने इस गल दा नोटिस लिया है कि बहुते अधिकारी पहलां गलत ढंग नाल पैसा इकट्ठा करदे ने ते मगरों अपनी जान बचाउण दे लई विदेश भज जांदे ने ते उहदा प्रबंध पहलां ही करके रखदे ने, पीआर लै लैंदे ने। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब दे मुखी वरिंदर कुमार ने कहा है कि अज यानी कि सोमवार नूं सारे विभागां नूं चिट्ठियां लिख के अजिहे मुलाजमां ते अधिकारियां दे वेरवे उह लैणगे जिन्हां ने सरकारी अहुदे ते तैनाती दौरान ही पीआर हासिल कीती है जां फिर ग्रीन कार्ड होल्डर ने। तो इस तथ्य की भी घोख की जाएगी कि इधर सरकारी नौकर होंदिया विदेशों के पीआर लैण विच सफल किवें हो रहे हैं। 7 साल पहला 15 मई 2015 भी पंजाब सरकार नू विजिलेंस ने रिपोर्ट भेजी सी जिस मुताबिक सूबे के 130 गजटड ते नॉन गजटड अधिकारियों के कोल पीआर सी जां फिर ग्रीन कार्ड होल्डर सन। तो पिछले दिन एक डायलॉग बड़ा मकबूल होया जिहड़ा कि तुसीं जेलों बाहर जमानत ते आए बिक्रम मजीठिया ने बोलिया सी, छल्ला मुड़ के नहीं आया। किदे लई बोलिया गया सी? ये तुसी सारे भली भांत जानते हो। तो अजिहे कई सियासतदान भी विदेशों के पीआर लै लेंदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे तो पहला पंजाब दे विच अलर्ट जारी कर दिता गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ समेत मोहाली के बस अड्डिया ते चौकसी वधा दी है। पुलिस वल्लों वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इस तरह रेलवे स्टेशन ते भी पुलिस ने चौकसी वधा दी है। तो जो अजकल माहौल चल रहा है उसनों देख के कहा जा सकता है कि बीजेपी की पंजाब दे विच दिलचस्पी काफ़ी वध गई है, खास करके श्रोमणी अकाली दल दे नाल तोड़ विछोड़े तो बाद बीजेपी के वड्डे लीडर के दौरे पंजाब दे विच वध गए ने। यह भी पता लग्या कि 3 केंद्रीय वजीरां नूं हर महीने पंजाब का दौरा करन वास्ते निर्देश जारी किए गए ने। कश्मीर के पहलगाम दे विच लाए एक गुरमत कैंप दे विच शिरकत करन दे लई पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के सारे धड़िया एकजुट होने का सद्दा दिता है ताजो सिख सियासत दे लई चंगे किरदार वाले सिख लीडर तैयार किए जा सकन। जथेदार ने कहा कि फैडरेशन दे विच आई खड़ोत तो बाद ही चंगे सिख लीडर की घाट पैदा हुई है। तो अज श्रोमणी अकाली दल विच शायद ही कोई अजिहा लीडर होगा जो सिख इतिहास सिख धर्म या फिर सिद्धांतों की गल कर सकता हो। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल सिखा की जथेबंदी है, किसी एक की जागीर नहीं है। जथेदार ने भी कहा कि जथेबंदी विच 80% विद्यार्थी भर्ती किए जाण ते बाकी 20% तजर्बेकार सिख आगू शामिल होण तां जो इन्हां दा राह दसेरा बण। उन्हां इस मामले दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों हर संभव सहायता किए जाण दा ऐलान भी किया।